Assalamualaikum, my name is fizza hope you all are good welcome to goha publisher our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning and our book name is goha grace maths playgroup age 3 plus okay students on page number 14 we are going to start we are going to read about the new digit which is number 5 but first of all we are having some notes for teacher teacher's notes हैव द स्टूडेंट प्रस द डिजिट इन देअर एक्सरसाइज बुक ओके मूव टू द टॉपिक वी आर हैविंग डिजिट फाइव एयर हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है फाइव यू कैन सी एफ आई वी ई फाइव फाइव होच एयर बेलून्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फाइव होट एयर बैलून्स हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव आपको पता है इनको हॉट एयर बैलून क्यों कहते हैं क्योंकि ये जो इसके ऊपर वाला हिस्सा होता है ना ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसके अंदर आग जो होती है ना फायर इस तरह से ऊपर जारी होती है जो कि इस बैलून को ऊपर हवा में आसमान पे लेके जाती है और इसके नीचे एक छोटी सी इतनी छोटी भी नहीं लेकिन एक बकेट लगी होती है जिसमें बहुत सारे लोग बैठ के आसमान की सैर कर सकते हैं ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हर बैलून के नीचे एक एक बास्केट लगी हुई है इसके ऊपर आप बैठ के इसको इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे तो ये देखें कुछ लोग हैं जो कि इस बैलून पर बैठे हुए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ से फायर ऊपर जाता है और जो हॉट एयर बैलून होता है हमें आसमान की सैर करवाता है जो कि बहुत अच्छी होती है ओके नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द पेज नंबर फिफ्टीन जिसमें हम क्या करेंगे डिजिट फाइव की करेंगे एक्सरसाइज वी आर हैविंग थ्री पार्ट्स वन टू एंड थ्री अबाउट डिजिट फाइव फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू ए पार्ट ट्रेस विद फिंगर एंड पेंसिल हमें क्या करना है फिंगर के साथ ट्रेस करना है एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट इट विद द हेल्प ऑफ पेंसिल उसके बाद हमें क्या करना है पेंसिल की मदद से इसको लिखना है नंबर फाइव को स्ट्रेट लाइन स्टैंडिंग लाइन एंड अ करव लाइक दिस स्ट्रेट लाइन अ स्मॉल स्टैंडिंग लाइन दैन मेक अ करव लाइक दिस ओके ट्रेसिंग हो गई अब हम लिखेंगे इसको पेंसिल की मदद से और वह कैसे लिखेंगे स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डोर स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन एंड मेक अ करव लाइक दिस इट्स फाइव द फाइव इज कम्प्लीट इस तरह से हमारा फाइव हो जाएगा मुकम्मल अगेन मेक अ स्लिपिंग लाइन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डोट स्टैंडिंग लाइन एंड मेक अ कर्व लाइक दिस येस नंबर फाइव इज कम्प्लीट वाइट वन मोर टाइम स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डोट एंड मूव टू द लास्ट डोट लाइक दिस येस ये फाइव की फर्स्ट लाइन हमारी होगी कंप्लीट बाकी के जो है पार्ट यू कैन सॉल्व इथ विद देल्प ऑफ एनी एल्जर नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज बी ओके जी नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर बी पार्ट वट वी हैव टू डू इन इट मैच द पिक्चर एंड द नंबर्स ओके यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं कुछ पिक्चर्स हमें क्या करना है नंबर को काउंट करना है और पिक्चर्स के साथ मिला देना है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास है रोस्टर उसके बाद हमारे पास मौजूद है वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे हमारे पास मौजूद है फाइव एयर बेलून्स हॉट बेलून्स एंड एट द लास्ट वी आर हैविंग फोर स्ट्रॉबेरीज वन टू थ्री एंड फोर तो हमें फ़ोर को मिलाना है फोर स्ट्रॉबेरीज के साथ लाइक दिस आफ्टर वी आर हैविंग थ्री रोस्टर्स हमें इसको यहाँ पे इसके साथ मिला देंगे वन टू एंड थ्री एंड एट द लास्ट वी आर हैविंग फाइव हॉट एयर बेलून्स तो हम इसको मिला देंगे इसके साथ ये हो जाएगा हमारा बी टॉपिक कंप्लीट नाव मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज नंबर सी विच इज नंबर सी एंड वी हैव टू डू इन इट ट्रेस एंड राइट द डिजिट फाइव हमें क्या करना है सबसे पहले ट्रेस करना है एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट इट स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन एंड मेक अ हाफ कर इस तरह से अगेन अब हमने ट्रेसिंग के बाद इसको क्या करना है लिखना है इस तरह से स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन देन मेक अ कर्व लाइक दिस और इसको इस डॉट से मिला देंगे फाइव अगेन स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन एंड मेक अ कर्व लाइक दिस फिर से एक स्लिपिंग लाइन लगाएंगे स्टैंडिंग लाइन को डॉट से मिलाते हुए इसको लेकर आएंगे कर्व बना के इस तरह से नाउ आर राइटिंग विद द पेंसिल नंबर फाइव इज कंप्लीट जी बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको फाइव डिजिट्स कैसे लिखना है कैसे पढ़ना है उसको समझ में आ गया होगा डू प्रैक्टिस एच योर होम टिल द नेक्स्ट वीडियो अल्लाफ़